हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं पॉलीमर का लास्ट आज खत्म कर देंगे। आज पॉलीमर लेके आया हूँ मैं आपके लिए, है ना। लास्ट एंडिंग है, आज पॉलीमर खत्म हो जाएगा। बहुत पूछते हैं पॉलीमर कब खत्म होगा, कब खत्म होगा। तो आज खत्म हो जाएगा। तो एक्चुअल में क्या है, मैं बहुत डिटेल में तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, इसलिए तुम्हें भी उसी तरह पढ़ना है। खत्म के चक्कर में नहीं रहना है, समझ में आगे बात। और आपके लिए एक सूचना ये थी मेरी तरफ से कि आपके अभी तो बोर्ड के एग्जाम में जितने भी पेपर में क्वेश्चंस आए हैं चैप्टर वाइज, वो मैं लेके आ रहा हूँ आप लोगों के लिए। हैं, खुश हो गए हैं। तो उसमें ऐसा होगा कि पीडीएफ में आपको पढ़ा दूंगा, और उसकी पीडीएफ मेरे पास नहीं है तो पीडीएफ तो अवेलेबल नहीं करा पाऊंगा, लेकिन वीडियो में बकायदा आपको सेंटेंस चलता हुआ दिखाई देगा। आपको मजा आएगा, आप आराम से लिख लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसमें समझा भी दूंगा पर क्वेश्चन को, क्योंकि पीडीएफ में आपको समझा नहीं पाऊंगा। तो उसमें एक एक क्वेश्चन को मैं अच्छे से समझाऊंगा और आपको मैं बिल्कुल रिवाइज करा दूंगा कि जब तक अपने बोर्ड के एग्जाम, जब तक पेपर है, उसमें शर्त क्या रहेगी, क्वेश्चन देके आपको उतारना पड़ेगा बस, है ना। तो टोटल 4 चैप्टर के मैंने बना लिए हैं, हाँ। तो वो 500 पेज के बैठ गए टोटल हैं। तो कोई बात नहीं, ज्यादा नहीं होगा, 200-300 पेज के आसपास होगा टोटल। 500-600 पेज में चला जाता है वो, तो पीडीएफ के फॉर्मेट में होता है। जब कॉपी में करते हैं तो वो मुश्किल 100 पेज में आ जाता है, 100 पेज से कम से, ये भी बहुत ज्यादा हमारे लिए। कोई बात नहीं, देखो हम पॉलीमर की बात कर रहे थे तो स्टार्ट करते हैं। चलो देखो, पॉलीमर में जो अगला था वो बैकेलाइट पढ़ते हैं हम लोग, है ना। बैकेलाइट के बारे में पढ़ते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये बैकेलाइट। बैकेलाइट पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। सबसे पहले तो इसका मोनोमर पूछेगा। देखो इसके मोनोमर कौन से होते हैं, इसके एकलक कौन से होते हैं, उसकी बात कर लेते हैं। तो इसका एकलक या इसके मोनोमर की बात कर लेते हैं। तो देखो इसका एकलक या मोनोमर बनता कैसे है, पहले तो अपने को वो पता होना चाहिए। तो ध्यान रखना, जब तुम लोग फिनॉल की रिएक्शन, ठीक है, हम करवाते हैं HCHO, फॉर्मेल्डिहाइड से करवाते हैं। इसका नाम क्या होता है, फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है, याद रहेगा, फॉर्मेल्डिहाइड से करवाते हैं, ठीक है। तो होता क्या है, ये CH2O यहां एक बार ऑर्थो पे लगता है और एक बार पैरा पे, तो ये बनता है, ये OH लग गया, यहां लग गया CH2OH, ठीक है, और एक बार यहां पैरा पे लग जाता है। समझ में आ गई बात। इसका नाम होता है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल, ठीक है। इसको मैं हिंदी में लिख देता हूं, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल। एग्जाम में सवाल को ध्यान से पढ़ लेना। यहां मोनोमर ये फिनॉल या फॉर्मेल्डिहाइड नहीं है, इसके मोनोमर कौन है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी या पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल। तो याद रखेंगे सभी लोग कि मोनोमर बैकेलाइट के मोनोमर कौन होते हैं, ऑर्थो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल, जो इस तरीके से बनाए जाते हैं, तो ये इसके मोनोमर होते हैं। समझ में आ गई बात सभी को अच्छे से, ठीक है। चलो जी, एक बात ध्यान रखना यहां पर, अगर यहां पर तुमने इन दोनों का रेशो, किसका किसका रेशो, तुमने अगर फिनॉल और HCHO कर लेता हूं, फॉर्मेल्डिहाइड का रेशो 1:1 से कम ले रखा है, 1:1 से कम ले रखा है, 1:1 से भी कम हो, रेशो से भी लेस हो, ठीक है, या HCHO, इंग्लिश मीडियम लिख लेना, फिनॉल का रेशो 1:1 से ज्यादा हो, तो देखो दोनों में अलग अलग, ये दोनों मिलने की बात कर रहा हूं, समझ में आगे बात। अगर 1:1 से कम होता है तो यहां बनता है नोवोलक, तो यहां पे नोवोलक बनता है।
समझ में आ गई बात, तो इस चीज का आप थोड़ा ध्यान रखना। और 1:1 से ज्यादा होता है तो यहाँ पे रिसॉल्व बनता है। समझ में आ गई बात, तो कब तक तुम्हें नॉलेज बनाना है, कब तुम्हें रिसॉल्व बनाना है, समझ में आ गई बात यहां तक सभी को अच्छे से? ठीक है, चलो एक बार तुम उसको नोट कर लो, फिर मैं तुम्हें एक बार बताता हूँ कि नॉलेज कैसे बनता है ना। रिसॉल्व अपने कॉपी में डायग्राम नहीं दे रखा है, मैं नॉलेज की बात करूंगा कि नॉलेज कैसे बनेगा, नॉलेज से हम बैकलाइट कैसे बनाएंगे। समझ में आ गई यहां तक बात, तो सुन लो ध्यान से। सवाल मेरा ये है कि बैकलाइट का मोनोमर क्या होते हैं, तो बैकलाइट के मोनोमर होते हैं ऑर्थो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजील अल्कोहल होते हैं। आई थिंक मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। फिर आगे मैंने बोला कि अगर इसका रेशो 1:1 से कम होता है, 1:1 से भी कम होता है, 1:1 से, तो नॉलॉग बनता है। अगर इनका रेशो 1:1 से ज्यादा होता है तो रिसॉल्व बनता है। अभी नॉलॉग का डायग्राम कैसे होता है और बैकलाइट के डायग्राम में क्या डिफरेंस है, मैं अभी आपको बताता हूं। एक बात ध्यान रखना, ये ताप सुगटे होते हैं, थर्मोप्लास्टिक होते हैं, याद है ना, पढ़ाया था थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग। थर्मोप्लास्टिक ताप सुगटे होते हैं, ठीक है, ये कैसे होते हैं, थर्मोसेटिंग, ये ताप दृढ़ होते हैं। समझ में आ गई यहां तक बात? चलो एक बार आप नोट कर लो, फिर मैं आपको डिटेल में नोड की स्ट्रक्चर बताता हूं कि बैकलाइट के नोड की स्ट्रक्चर कैसे होगी, रिसॉल्व की स्ट्रक्चर नहीं दे रखी है। चलो नोट करो फटाफट, हो गया यहां तक? एक बात और ध्यान रख लेना आप लोग, इनकी जो रिएक्शन करवाई जाती है वो तनु अम्ल की उपस्थिति में करवाई जाती है, डाइल्यूट एसिड की वजह से, और यहां जो रिएक्शन करवाई जाती है वो क्षार या बेस की वजह से करवाई जाती है, ठीक है। तो इन दोनों को आप ध्यान रखना। अब मैं इनके डायग्राम की बात कर लेता हूं, स्ट्रक्चर की बात कर लेता हूं, ठीक है। तो ये नॉवलक है वो क्या है, रिसॉल्व है, याद रहेगा। चलो मिटा दूं मैं, 30 सेकंड का टाइम और चल रहा, जीवन है अच्छे से करो भाई, करो, बढ़िया है, पढ़ाई करो, जहां से मिल रहा है वहां से पढ़ाई करो, कोई दिक्कत नहीं है। बट टेस्ट बहुत कम दे रहे हैं, देती तो है लेकिन लाइव बहुत कम आ रहे हैं। अच्छा सर, लाइव आप जल्दी ले लेते हैं, हमको दोपहर में छोड़ देते हो कोई ना, कोई बंदा लेट भी कोई बात नहीं, वो टेस्ट दे दिया करो एक बार, ठीक है। तुम टेंशन ना लो, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा, तुम पढ़ाई करो बस। आई थिंक 4 चैप्टर के नोट्स तो दे ही दिए मैंने, चल अब बात करते हैं आगे, स्ट्रक्चर कैसे बनती है, स्ट्रक्चर्स की बात कर लेते हैं। तो देखो होता क्या है, अगर तुमने यहां बात कर लेता हूं, अभी अपने फिनॉल लिया था, ठीक है, यहां तुमने फिनॉल लिया था और यहां तुमने फॉर्मल्डिहाइड लिया था, और इससे तुमने क्या बनाया था, OH CH2OH, और तो हाइड्रोक्सी बेंजील अल्कोहल बनाया था, और तुमने इससे क्या बनाया था, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजील अल्कोहल बनाया था। समझ में आ गई बात? लेकिन यहां पर मैंने भी, तो ये दो मोनोमर हो गए, ऑर्थो और पैरा हो गए। यहां पर होता क्या है, देखो समझो ध्यान से, अगर मान लो दोनों का रेशो 1:1 से कम हो, कम की बात हो रही है, 1:1 से कम हो या लेस हो, तो मुझे पता है नॉवलक बनता है, नॉवलक बनता है। लेकिन अगर तुमने फॉर्मल्डिहाइड की मात्रा ज्यादा दे दी, किसकी मात्रा ज्यादा दे दी तुमने, फॉर्मल्डिहाइड की मात्रा ज्यादा, अगर तुमने मैक्सिमम अमाउंट में HCHO ले रखा है, ठीक, तो यहां तो देखो 1:1 से कम होता है तो नॉवलक ही बनता है, लेकिन HCHO की मात्रा तुमने ज्यादा ले रखी है, ठीक है, और अगर तुमने टेम्परेचर प्रेशर हाई कर रखा है तो यहां बैकलाइट बनता है,
क्या बनता है? बैकलाइट। ठीक है, ध्यान रखना नौलक बनाते समय क्या होता है, ये एक रेखीय संरचना होती है। कैसी होती है? रेखीय संरचना, ये लीनियर स्ट्रक्चर होती है। इसमें केवल या तो ऑर्थो वाला ही मिलेगा या केवल पेरा वाला ही मिलेगा। समझ में आ गया? बात लीनियर स्ट्रक्चर किसकी होगी? या तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजील अल्कोहल की या पैरा हाइड्रोक्सी बेंजील अल्कोहल की, बस। लेकिन यहां पर दोनों साथ मिलके बनाते हैं तो इसकी त्रिविम संरचना होती है। त्रिविम का मतलब हो गया 3D डायमेंशन स्ट्रक्चर होती है। कैसी स्ट्रक्चर होती है? 3D डायमेंशन होती है। समझ में आगे बात, इसकी स्ट्रक्चर तो कैसी होती है, इसमें क्या होता है? जैसे मैं दो मॉलिक्यूल की बात कर लेता हूं, ये OH और ये CH2OH, ठीक है। ये आगे रिएक्ट करेगा वापस से ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजील अल्कोहल से ही करेगा वापस से, इसी से करता है। समझ गया? मैं और मोल ले लेता हूं, ठीक है। तो जितने तुम यहां मोल लोगे उतने कम पड़ जाएंगे, है ना? बता रखा है ना, एन मोल ले लेते हैं अगर ज्यादा होता था सब कुछ। CH2OH होगा क्या? देखो इसके अंदर से यहां पर एच लगी होती है, यहां पर क्या लगी होती है? एच लगी होती है। ये यहां से H2O बाहर जाएगा, यहां से ये H2O बाहर जाएगा। देखो यहां पे स्ट्रक्चर क्या बन गई। अब स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं। ये यहां डाइल्यूट एसिड ले रखा है तुमने, तनु अम्ल ले रखा है। अब देखो क्या बच गया, लिख दो इसको OH। इधर भी क्या बच गया? OH। ये भी क्या बच गया? OH। और देखो बीच में क्या बच गया? CH2। ये लो भैया CH2 जोड़ दो। बताओ इन दोनों के बीच में क्या बच गया? CH2। ये लो CH2 जोड़ दो। बताओ आगे क्या होगा? इधर से क्या निकल जाएगा? वापस से CH2 जुड़ेगा कहीं ना कहीं से, ठीक है। बताओ इधर भी क्या हो जाएगा? वापस से कोई ना कोई CH2 फिर से जुड़ेगा। तो देखो यही एक स्ट्रक्चर क्या होती है, यहां से लेके यहां तक ये स्ट्रक्चर बार बार क्या होती है? रिपीट होती चली जाती है। समझ में आ गई बात? तो ये कैसी स्ट्रक्चर है? देखिए स्ट्रक्चर समझ में आ गया, चलो इसको नोट कर लो फिर आगे बात करते हैं। समझ में आ गया होगा वैसे आप लोगों को, ठीक है। तो ध्यान रखना, तो हो क्या रहा है, बार बार यही स्ट्रक्चर देखो, यहां से देखो ये स्ट्रक्चर, अगर मैं एन मोल ले लूं तो मैं कह सकता हूं ये स्ट्रक्चर बार बार क्या हो जाती है, यहां से ये रिपीट होती चली जाएगी, आगे से आगे क्या हो जाएगी, एन बढ़ती चली जाएगी। लेकिन देखो यहाँ पे केवल ऑर्थो ऑर्थो मिल रहा है, इसका मतलब इसके अंदर क्या होगा? ऑर्थो भी मिलेंगे और पैरा भी मिलेंगे। कैसे मिलते हैं मैं भी बताता हूं, एक बार आप इसको नोट कर लो। अब मैंने आगे से आगे इसको एन क्यों लगा दिया, इसका मतलब यही क्या होगी, यूनिट बार बार देखो रिपीट होती चली जाएगी। अगर तुमने तीन ले रखे हैं, तुमने अगर चार ले रखे हैं, तुमने हजारों मोल ले रखे हैं, यही यूनिट इसके अंदर क्या होगी, बार बार रिपीट होगी। समझ में आ गई यहां तक बात? चलो नोट कर लो। समझ में आ रही बात, कैसे कर रहे हैं, है ना? तो ये अभी किसका बनाया है? नौलक का बनाया है। अभी बैकलाइट की स्ट्रक्चर बाकी है, क्योंकि मुझे बोर्ड बड़ा चाहिए, कैसे बड़ा तो दौड़ा ले लू, तो कैमरा घुमाना पड़ता है भाई, है? समझ गए ना आप लोग वैसे कैसे कर रहे हैं हम लोग, ये थोड़ा ध्यान रखना। हो गया? हाँ वैसे तुम तो पोज करके उतारते, मैं जानता नहीं होगा ना, तुम्हें टाइम मिलता तो इस टाइम को स्कीप कर देते हो, है सब जानता हूँ मैं, पर फिर भी मेरा फर्ज बनता है देना, मैं दे देता हूँ। चलो वीडियो को पोज करके फिर तुम इसको नोट कर लेना, ठीक है, मैं इसको हटा रहा हूँ यहाँ से। तो इसके स्ट्रक्चर को बड़े ध्यान से समझ लेना, ठीक है, नोट कर लेना। अब देखो बैकेलाइट के स्ट्रक्चर बनाते हैं, ध्यान से समझना। बैकेलाइट में क्या होता है, फॉर्मेलिडिहाइड की मात्रा ज्यादा ले लेते हैं हम लोग। तो देखो होता क्या, इसमें ऑर्थो पैरा दोनों की दोनों यूनिट अब आपस में मिल रही है, OH CH2OH। मैं केवल चार मोल लेके सिखा देता हूं, ठीक है, OH CH2OH। ये तो ऑर्थो है, नीचे पैरा भी चलता है, OH CH2OH OH
CH2OH, ठीक है। इवन चार मोल ले लिए, मान लो N मोल ले रखे, बहुत सारे मोल ले रखे, देखो इसमें क्या होता है, ये H, देखो इधर से तुम्हें पता ये तो ये जुड़ेगा जुड़ेगा, अब यहां पर भी तो H है, ये क्या बाहर निकल गया H2O, यहां पर भी तो H है, क्या बाहर निकल गया ये H2O। अगर मैं स्ट्रक्चर बनाता है ना, देखो क्या हो गया, देखा जाए तो यहां पे बना लो, यहां पे ये क्या हो गया OH है ना, यहां पर भी तो क्या हो गया OH, ये क्या CH2, इधर से वैलेंस, ये फ्री, इधर से देखो आगे क्या हो जाएगा, ये फ्री हो जाएगी, चलती रहेगी ये तो, है ना, ये CH2 बढ़ता रहेगा, इधर से किससे जुड़ेगा, देखो वापस से CH2 से, ये भी किससे जुड़ गया CH2 से, समझ लो बात को, ठीक है। तो आगे से आगे क्या होगा, स्ट्रक्चर देखो आगे से फिर बनेगी, इधर भी बनेगी, ऊपर भी बनेगी, नीचे बनेगी, खूब सारी बनती चली जाती है, ठीक है, क्योंकि सारे सारे बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसलिए ऐसा होने लगता है। आई थिंक आपको बातें समझ में आने लग गई होगी कैसे हम लोग कर रहे हैं। तो ध्यान रखना ये यूनिट क्या हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है, देख लेना अपनी किताब में, अगर 3 दे तो 3 कर लेना, दिक्कत क्या है, एक और कर लो, समझ में आती बात। तो इतना आप लोग ध्यान रखना, ये यूनिट बार बार रिपीट होती चली जाएगी। इसको हम क्या बोलते हैं, बैकलाइट बोलते हैं, ये क्या है बैकलाइट, समझ में आ गई बात। इसका उपयोग कहाँ होता है, स्विच वगैरह में काम में लेते हैं, टीवी का जो कवर बनता है वो हार्ड चीजें बनाने में काम में लेते हैं, ठीक है, कर लोगे यहाँ तक सभी लोग, कोई दिक्कत नहीं है ना, इसको उतार लो, फिर हम लोग एक लास्ट टॉपिक इसका पढ़ लेते हैं, फिर एंड करेंगे, ठीक है, नोट करो। चलो हो गया, अब मैं इसको हटा देता हूं, अब हम देखो कुछ बात करेंगे, बायोडिग्रेडेबल, देखो देखो एक बहुत ही यूनिक टॉपिक की बात करते हैं जिसमें से एक छोटा सा सवाल जरूर बनता है हर साल। हम बात कर रहे हैं यहां पे जैव निम्नीकृत व अजैव निम्नीकृत, डिग्रेडेबल और नॉन डिग्रेडेबल, पॉलीमर की बात करेंगे, ठीक है। देखो कुछ ऐसे पॉलीमर की बात कर रहे हैं, है ना, जो तीन टाइप के पढ़े जाते हैं, वैसे मेनली तीन टाइप के होते हैं, आप ध्यान से इनको समझ लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये अपने सब्जेक्ट के लिए देखा जाए। पहला होता है प्राकृतिक, देखो कुछ प्राकृतिक बहुलक होते हैं, है ना, जो प्रकृति में ऑटोमेटिक पाए जाते हैं, तो हम बात करेंगे प्राकृतिक बहुलक, एक होते हैं जैव निम्नीकृत बहुलक, और एक पढ़ेंगे अजैव निम्नीकृत बहुलक। समझ में आ गई बात, ये है नेचुरल पॉलीमर, ये है लिख दिया मैंने वैसे डिग्रेडेबल, और ये है नॉन डिग्रेडेबल, समझ में आ गई बात सभी को अच्छे से। देखो जे प्राकृतिक बोलो जो प्रकृति में स्वतः पाए जाते हैं, जैसे न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन की बात हो रही है, यहां किसकी बात कर रहा है, न्यूक्लिक अम्ल की, सेलुलोज की बात कर रहा है, सेलुलोज और प्रोटीन की बात कर रहा है, न्यूक्लिक एसिड की सेल लिख लोगे ना, तो इंग्लिश में लिख लेना है ना, सेलुलोज प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड,
ये सब नेचर में ऑटोमेटिक पाए जाते हैं, ठीक है, तो प्राकृतिक हो गए। जैव निम्नीकृत का मतलब क्या हो गया, जो प्राकृतिक भी हो और जो संश्लेषित भी हो, दोनों का मिक्सचर हो, जो नेचुरल भी हो और जो सिंथेटिक भी हो, समझ में आया कई बात। अजैव निम्नीकृत कैसे होंगे, जो केवल कैसे हो, सिंथेटिक हो, जो केवल संश्लेषित हो। और ये कैसे होते हैं, केवल प्राकृतिक होते हैं, केवल नेचुरल होते हैं। यहां तक मेरी बातें समझ में आ रही सबको? तो तीन टाइप में डिवाइड किया हमने, जो अपनी प्रकृति में जितने भी पॉलीमर्स मिलते हैं, चाहे वो सिंथेटिक हो चाहे प्राकृतिक हो, तीन टाइप से डिवाइड कर दिया, प्राकृतिक, जैव निम्नीकृत और अजैव निम्नीकृत। जैव कैसे हो, प्राकृतिक वाले कैसे, जो केवल प्रकृति में मिलेंगे बस, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड, ग्लूकोज, सेलुलोज वगैरह की बात कर रहे हैं। अजैव निम्नीकृत कैसे, वो सिंथेटिक होंगे, संश्लेषित होंगे, है ना। और जे वाले कैसे होंगे, प्राकृतिक होंगे और संश्लेषित दोनों होंगे, समझ में आती बात। इसमें कुछ एग्जांपल है, इनको किस बिहाफ पे हम डिवाइड किया है, तो सिंपल सी बात है, ये माइक्रोबैक्टीरिया सूक्ष्म जीवाणु द्वारा इनका विघटन हो जाता है, इंग्लिश में लिख देना, इंग्लिश मीडियम वाले, डिकम्पोज बाय माइक्रोबैक्टीरिया, ठीक है। मतलब ये पॉलीमर देखा जाए तो अपनी नेचर के लिए बहुत सुटेबल हो गए एक तरीके से, क्योंकि इनको बनाया, बना के थोड़ी देर इनको बाहर फेंक दिया कचरे वगैरह में, तो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, डिकम्पोज हो जाएंगे। जो टाके वगैरह लगते हैं ना, वो जो सुई जो धागा आता है उसके अंदर, है ना, वो जो धागा होता है वो किसके बना होता है, इसी का बना होता है, समझ में आती बात। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना, है ना। कुल मिलाकर चिकित्सा में इनका यूज होता है, मेडिकल लाइन इनका ज्यादा यूज होता है, ठीक है। सिंथेटिक में क्या होगा, सूक्ष्म जीवाणु इनका विघटन नहीं होता है, तो पूरी लाइन लिख देना, सूक्ष्म जीवाणु द्वारा इनका विघटन नहीं होता है, do not decompose by microbacteria, समझ में आ गई बात। इसमें एग्जांपल है पॉलीग्लाइकोलिक एसिड, पीजीए, पॉलीलैक्टिक एसिड, पीएचबीवी, बहुत ही फेमस एग्जांपल है पीएचबीवी, करवाऊंगा इसको मैं, पॉलीहाइड्रोक्सीब्यूटाइट को बीटा हाइड्रोक्सी वैलरेट, पूरा फुल फॉर्म होता है, इसके बारे में हम लोग जरूर पढ़ेंगे, ठीक है। चलो आगे देखो इसके अंदर, और एक और होता है पीसीएल करके भी होता है, पीसीएल, पॉली, तो इन सबके बारे में पढ़ेंगे। एक और होता है, लिख लेना है यहीं पे, नाइलॉन 6 और नाइलॉन 2, साथ में ये पूरा नाम साथ में लिखा हुआ है, ध्यान रखना, ठीक है, नाइलॉन 2 पूरा नाम साथ में, समझ में आ गए यहां तक बात सभी को, ठीक है। यहां एग्जांपल सिंथेटिक तुम जानते हो, तुमने बहुत सारे पढ़ लिए, तो कौन कौन सा पढ़ा, टेफ्लॉन पढ़ा क्या, बिल्कुल पढ़ा है, पीवीसी पढ़ लिया, अब तो देखो इसमें सारे पढ़ लिए तुमने ना, मैं क्या लिखूं इसमें, लिख देता हूं, चलो नाइलॉन 6 है ना, बैकेलाइट, इंग्लिश में लिख लोगे, इंग्लिश मीडियम वाले, बैकेलाइट, ठीक है, ईटीसी, समझ गया ना, जो भी तुमने 8 में तुम्हें पढ़ाया गया ना वो सारे इसके अंदर आ जाएंगे, समझ में आ गया। अब देखो इन सब के, अब मेनली जो अपने को पढ़ना है इनके बारे में पढ़ना है, क्योंकि ये तो हमको पढ़ लिया, इसको हमने बायो मॉलिक्यूल में पढ़ लिया, इसको हमने शुरुआत में पढ़ लिया 8, और ये अब हमको पढ़ना है, समझ में आ गया। तो इस डायग्राम को आप नोट कर लो अच्छे से, है ना, फिर हम इसको एक एक करके पढ़ते हैं, ठीक, चलो। नोट कर लो फटाफट, कर लिया, उतार लिया आप लोगों ने, आप वीडियो को पोज करके फिर नोट उतार लेना, ठीक है, मैं भी इसको हटा देता हूँ, फिर हम एक एक को एग्जांपल को लेते हैं, है ना, और करते हैं। देखो ये 3 नंबर का चैप्टर, एक भी नंबर से जाना चाहिए, पूरा अच्छे से पढ़ा दी, एक एक चीज पढ़ा दी है ना, उपयोग सब आप खुद याद करोगे, वो रटाफिकेशन है, मैं इसको तो क्या पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलो पहला बात करते हैं पीजीए की, पॉली ग्लाइकोलिक एसिड,
पॉलीग्लाइकोलिक अम्ल की बात करते हैं, ठीक है जी, समझ गए। ठीक है, चलो इसकी बात कर लेते हैं हम लोग, ये मात्रा छोटी करते हैं। पॉलीग्लाइकोलिक अम्ल की बात करते हैं, देखो इसमें होता है कि डायलिसिस वगैरह में काम में लेते हैं, ठीक है। देखो इसमें स्ट्रक्चर की बात करते हैं, देखो इसका इसका मोनोमर क्या होता है, पहले तो मोनोमर देख लो इसका, ये होता है मोनोमर, यहां एक ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन, ठीक है। होता है क्या है, इसके एन मोल्ड रखे होते हैं, मान लो इसके एन मोल्ड रखे, खूब सारे मोल्ड, इसको बीच में से यहां से आप ब्रेक कर दे, कर दिया ब्रेक, ब्रेक करते देखो क्या क्या बच गया, देखो ये ऑक्सीजन, ये क्या बच गया यहां पे CH2, फिर देखो ये क्या बच गया यहां पे CO, फिर देखो आगे क्या बच गया ऑक्सीजन, फिर क्या बच गया यहां पे CH2, फिर यहां पे क्या बच गया CO, ठीक। तुम खुद एक चीज देखो, रिपीट क्या हो रहा है बार बार, देखो ओ सी एच टू सी ओ, ओ सी एच टू सी ओ क्या हो रहा है बार बार रिपीट हो रहा है, तो मैं कह सकता हूं ना ये यहां से बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। बात समझ गए, कुछ कुछ सोच रहे ये यहां से यहां क्यों लग रहा है भाई, जरूरत ही नहीं मैं क्यों लगाऊं, बताओ मैं क्यों लगाऊं, जब मुझे पता है मैं रिपीटिंग यूनिट लिखता हूं हमेशा, तो OCH2CO OCH2CO बार बार रिपीट होता है, तो मैं उसी की बात कर लूंगा बार बार, समझ में आ गई यहां तक बात सभी को, कंफर्म। तो ये क्या है, ग्लाइकोलिक एसिड, और ये क्या है, पॉली ग्लाइकोलिक, याद रहेगा सबको अच्छे से, ठीक है। देखो दूसरी बात करते हैं पीजीए के बाद में, पीएलए की बात कर लेते हैं, पॉलीलैक्टिक एसिड की बात करते हैं, पॉलीलैक्टिक अम्ल की बात करते हैं, देखो इसकी स्ट्रक्चर बहुत समान है, इसकी याद है ना, इसकी लिख लो पहले, ये बीच में नहीं आएगा, ये लिख दिया, पहले इसकी स्ट्रक्चर बना लो, सेम ही है दोनों की, बस बना ली, बस यहां क्या करना है, यहां सीएसटी लगा देना है, और यहां क्या लगा देना है, सीएसटी लगा देना, कर लोगे क्या आराम से। तो देखो ये सीएसटी सीएसटी लगाने वाला आप याद रख लेना आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये क्या लैक्टिक एसिड, अब इसका क्या होगा, बहुलीकरण होगा, पॉलीमराइजेशन होगा, कोई बात तोड़ दो, कुल मिलाकर होगा क्या, ये CH2 के एक एच के क्या लग गया, CH3 लग गया, तो वही बात हो गई, देखो क्या बच गया, देखो ध्यान से देखना, इधर लिखता हूं ध्यान से देखो, ये बनाया ये ऑक्सीजन, ये क्या है CH, क्या लगा हुआ इससे CH3, फिर आगे C डबल बॉन्ड O, फिर वापस से O CH CH3 C डबल बॉन्ड O। अब तुम बताओ रिपीट क्या हो रहा है, देखो बार बार समझ लो ध्यान से, ओ सी एच सी एच थ्री सी ओ बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो ये क्या है लैक्टिक एसिड, ये क्या है पॉली लैक्टिक एसिड, याद रहेगा सभी को अच्छे से, चलो नोट कर लो फिर आगे बात करते हैं। अब पीसीएल की बात कर लेते हैं, फिर पीएच बीबी की बात करते हैं, फिर नाइलन टू नाइलन सिक्स नाइलन सिक्स नाइलन टू की बात करते हैं, देन फिनिश, फिर इस बहुलक को बाय बाय कर देते हैं। हो गया क्या, अभी तो उतारना स्टार्ट ही किया सर है, चलो नोट कर लो फिर आगे बात कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मैं बहुत जल्दी है, हाँ बिल्कुल जल्दी है, 40 मिनट से ज्यादा होते भी खत्म हो जाता है मामला, तो 40 मिनट से एक भी मिनट ऊपर चला गया तो उसको फिर उसको एडिटिंग करनी पड़ेगी, ऐसे 40 मिनट रेगुलर कर देता हूँ एक बार में, तो सब सच्चाई बता देता हूँ तुम्हें, मजा आ जाता है, सर हमसे कुछ नहीं छुपाते हैं, तुम्हें क्या पता है, चलो हटा दो, चलो तो ध्यान रखना इसके बारे में, ठीक है। देखो अब एक अगला है पॉली कैप्रोलैक्टोन की बात करते हैं, किसकी बात करेंगे, तीसरा बात करेंगे पॉली कैप्रोलैक्टोन, याद है पहले तुमने पढ़ रखा है, वैसे ऐसा कुछ नाम सुना है क्या, इलेक्ट्रॉन है ध्यान रखना, लैक्टम नहीं है, है ना, हाँ
पॉलीकैप्रोलैक्टॉन, लैक्टॉन। देखो इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होती है, सर ऐसा कुछ देख तो रखा है। अरे वो नाइट्रोजन लगा था, इस बार क्या लगा हुआ है? हाँ ऑक्सीजन लगा, ध्यान रखना। देखो ये क्या है, कैप्रोलैक्टम, ध्यान रखना ठीक है। बस वही बीच में तोड़ दो, करना क्या है और सोचना कोई इससे ज्यादा कुछ। ये ऑक्सीजन कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, पांच कार्बन के क्या लगा लोगे, CH2 का हॉल 5, क्या बच गया C डबल बॉन्ड O। ये क्या हो गया, ये क्या बन गया बताओ, पॉली कैप्रोलैक्टॉन, याद आएगा? चलो जी नोट करो फटाफट। तो इलेक्ट्रॉन ध्यान रखना, पीएच बीवी की बात करते हैं, पॉली हाइड्रोक्सी ब्यूटाइट को बीटा हाइड्रोक्सी वैलरेट, चलो नोट करो, हो गया। चलो अब बीवी की बात कर लेते हैं, है ना। चलो फोर्थ नंबर है, यहां पे फोर्थ नंबर है PHBV, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है ना? फुल फॉर्म ये होती है पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट, वैलेरेट वैलेरेट ठीक है। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना, इसका नाम है पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट, वैलेरेट समझ में आ गई बात। तो इसके फुल फॉर्म आप हमेशा ध्यान रखना ठीक है। चलो बस ये फुल फॉर्म को नोट कर लो, फिर आगे हम बात कर लेते हैं ठीक है। इसके मोनोमर्स की बात करते हैं, इसके ये बनता कैसे होगा, तो देखो इसके मोनोमर की बात कर लो, एकलक की बात कर लो ठीक है। तो ध्यान रखना, चलो मैं लिख देता हूं, ये होता है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक अम्ल प्लस 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड, इनके पॉलीमर से ये बनता है, इसका नाम है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड प्लस 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। समझ में आ गई यहां तक बात ठीक है। इसकी स्ट्रक्चर ये होती है, एक दो तीन पे क्या लगा है OH ठीक है, और इसकी स्ट्रक्चर ये होती है, C डबल बॉन्ड। समझ में आ गया, ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं और रिएक्शन को फॉर्म करते हैं। वह उतार लो फिर मैं रिएक्शन भी करके बताता हूं ठीक है। चलो नोट कर लो बेटा, चलो हो गया। देखो मैं रिएक्शन करके बताता हूं, ध्यान से समझना रिएक्शन को, ऊपर मिटा दूं एक बार, है ना। पूरा नाम याद रखना, पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट। देखो कैसे रिएक्शन करते हैं, ध्यान समझना है इसको। देखो है क्या यहां CH3, तो मैं ऐसा करता हूं यहां OH लिखता हूं और इस CH के नीचे CH3 को टांग देता हूं ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप देख सकते हो आराम से C डबल बॉन्ड OH। देख लो 1 2 3 3 हाइड्रोक्सी, 1 2 3 4 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनिक होके अगला ऐसे ही कर लो, लेकिन देखो OH का सिरा यहां आएगा ठीक है, फिर ये वापस से CH
CH2 और ये CH3 और उसी को घुमा के लिख दिया है ना, टेंशन मत लेना ज्यादा। और ये C डबल बॉन्ड OH है ना, परेशान तो नहीं हो रहे ना ज्यादा, वापस लिखता हूँ क्या, देख लो ऐसा लिखा हुआ था यार, ये क्या परेशान हो रहे हो तुम, देख लो OH इधर लिख दिया, CH इधर लिख दिया, समझ गए ये कैसे लिखा हुआ था। ये ऐसे लिखा हुआ था, इसको उठा के यहां रिप्लेस कर दिया, इस OH उठा के यहां रख दिया, समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ बता दिया, मुझे पता चल जाता है बस सकलो से। देखो क्या होगा यहां से, ये यहां से H2 बाहर निकाल सकते हैं, ये बाहर के लिए H2 ठीक है। चलो अब यहां से पता क्या बाहर निकलता है, H बाहर निकलेगा, यहां से ये वापस से OH बाहर निकलेगा, यही होता रहेगा हमेशा ठीक है। देखो क्या बच गया, लिख लो OCH CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O O CH CH2 CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और ये रिपीट होता चला जाएगा बार बार। लेकिन देखो यहाँ पे रिपीटिंग क्या है, अगर मैं इसको R ग्रुप बोल देता, क्या बोल देता है, दोनों को R बोल देता मान लो R, तो क्या रिपीट होगा बार बार, देखो समझो ध्यान से O CH R CH2 CO O ठीक है। फिर देखो वापस से O CH R CH2 CO, तो रिपीट क्या हो रहा है बार बार। देखो अगर रिपीटिंग बुक वाली लिखे, आप ऐसे लिखते तो भी सही है, बुक वाली लिख के देख लो, इसका मतलब अगर मैं इसको R मान लेता O CH R, फिर क्या आ गया CH2 C डबल बॉन्ड O और ये N, समझ में आ गई सभी को। मैं अरे ध्यान रखना कैसे लिखा है, वापस देख लो दोनों क्या मान लो, मैं R मान लो एक बार क्योंकि ये दोनों एल्किल ग्रुप है। देखो CH CH3 CHR CH2 CO O, देखो CH CH फिर O CH R CH2 CO O, तो ये क्या हुआ बार रिपीट, समझ में आ गया, नोट कर लो। एक और ध्यान रखना, नाइलॉन 2 और नाइलॉन 6 ये ध्यान रखना, ये ग्लाइसिन और एमिनो कैप्रोलेक्टॉन जो होते हैं ना उनके क्या होते हैं, ये सहबहुलक होते हैं ठीक है। एमिनो कैप्रोइक अम्ल लिख देना, कैप्रोइक अम्ल इलेक्ट्रॉन वगैरह काम में मत ले लेना है ना, तो इसमें होता है एमिनो कैप्रोइक अम्ल काम में लेते हैं, ये दो इसके मोनोमर होते हैं इसके बस ठीक है। ये भी जैव निम्नीकृत होता है, समझ में आ गया बात, चलो नोट करो फटाफट। ये थोड़ा ध्यान रखना, ग्लाइसिन प्लस एमिनो कैप्रोइक अम्ल, इलेक्ट्रॉन के भी लेते हैं लेकिन वो थोड़े से अलग बन जाते हैं। फिर ये ध्यान रखना ये पॉलीएमाइड होता है, कैसा होता है ये पॉलीएमाइड होता है, इसमें पॉलीएमाइड है। देखो ये कैसा ग्रुप आ गया, देखो एस्टर ग्रुप होता है, कैसा ग्रुप होता है इसके अंदर एस्टर होता है, पीएचबी में कैसा ग्रुप है एस्टर ग्रुप, और नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 में कैसा ग्रुप है एमाइड, तो इसमें तो एस्टर ग्रुप होता है और इसमें एमाइड ग्रुप ठीक है। तो ग्लाइसिन प्लस एमिनो कैप्रोइक अम्ल ठीक है, समझ गए, चलो नोट करो फटाफट इसको फिर आगे बात करते हैं ओके। देखो छोटा सा टॉपिक है सहबहुलक, ये देखो ये क्या है, ये इन दोनों के क्या होते हैं सहबहुलक होते हैं, मतलब जब एक से ज्यादा एकलक या मोनोमर काम में लेते हैं ना उसको क्या बोलते हैं सहबहुलक बोलते हैं ना, कोपॉलीमर बोलते हैं सहबहुलक। तो ये क्या है सहबहुलक, ये भी कैसे है सहबहुलक या कोपॉलीमर ठीक है। और सब बोला क्या कोपल में देखना नोट्स में या किताब देखना, टाइप मिलेंगे चार टाइप मिलेंगे, कोई ए बार बार रिपीट हो रहा होगा, कोई एबीएबी रिपीट हो रहा होगा, कोई एबीसी एबीसी में रिपीट हो रहा होगा, तो उसको याद कर लेना ठीक है, बाकी सब कुछ बढ़िया कर लो ओके बता दू। तो सब बहुलक होते हैं को पॉलीमर्स होते हैं ठीक है, चलो हटा दो। देखो मैंने आपको बता दिया था कि मैं आपका चैप्टर वाइज मैंने यहाँ पे क्वेश्चन तैयार कर लिया, वो मैं डाल दूंगा बहुत ही जल्दी ठीक है जी, समझ में आ गई बात।